अरे विमुदी, विमुदी क्या हो गया काजल को? ये देव का नाम लेकर क्यों चिल्ला रही थी? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, बस चिल्लाते हुए आई और भाग कर बाहर चली गई। न चप्पल पहनी न कुछ, ऐसे ही चली गई। और ठीक क्या हुआ? नहीं भौजी, कुछ नहीं पता। शायद देव सर का फोन आया था और एकदम से वो देव देव चिल्लाने लगी और उसके बाद बाहर चली गई और वो बहुत जोर से रो भी रही थी। काजल, 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 मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो तुम? काजल, काजल, मेरी बात सुनो, संभाल के। काजल, क्या कर रहे हो तुम? काजल, काजल, मेरी बात सुनो, काजल, 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 रुको, काजल, कहाँ भागी जा रही हो? क्या बात है? हाँ, देव, आ देव, क्या देव, क्या देव? ठीक है, चलते हैं देव के पास। लेकिन कहाँ है, क्या हुआ देव को? कुछ नहीं होगा देव को, कुछ नहीं होगा। हम ढूंढेंगे देव को, हाँ हम ढूंढेंगे। चुप रहो, चुप रहो। टैक्सी, आओ मेरे साथ आओ, टैक्सी, चलो चलिए भैया, सीधे चलिए। कुछ नहीं होगा देव को, देव को कुछ नहीं होगा। मैं बताऊंगा आपको कहाँ रखना है। चलिए, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए गाड़ी तेज चलाइए, गाड़ी तेज चलाइए। हॉस्पिटल पहुंचा दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल माहिम। धन्यवाद, आ जाओ। चलिए 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 माहिम, माहिम, माहिम। मैडम आती होगी, चाय पीने गई होगी, क्या मतलब है? मेरे हॉस्पिटल ले आप क्या? काजल, काजल बेटा धीरज रखो, कोई ना कोई आ जाएगा। कोई तो आओ। काजल, क्या कर रही हो तुम? अरे नर्स, देखिए मैं ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहती हूँ जिसका नाम देव है और अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो यहाँ आया। प्लीज जरा जल्दी करिए आप। सॉरी मैम, पर इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है यहाँ पर। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट जब बेहोशी की हालत में आता है उसका नाम नहीं पता चल पाता। अगर एक्सीडेंट खेल से तो आप सेकंड फ्लोर पर प्लीज चेक कर लीजिए, मैं पता लगाती हूँ। पापा, पापा, मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पर चेक करके आती हूँ। हाँ बेटा, तुम ऊपर देखो, मैं यही रुकता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। कुछ पता चला? मैं देव के घर इन्फॉर्म कर देता हूँ।
हेलो बहन जी, मैं सत्यप्रकाश बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई साहब। देखिए, मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि कि करण है क्या घर पे? नहीं भाई साहब, करण इस वक्त घर पर नहीं है। लेकिन बात क्या है? देखिए, मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि देव आप कुछ बताते क्यों नहीं? देखिए बहन जी, देव का एक्सीडेंट हो गया है। देखिए बहन जी, ज्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता हूँ। हम अभी माहिम हॉस्पिटल पहुँचे हैं। मैंने भी उसे देखा नहीं है। मैं अभी आई मैं। हाँ बहन जी, अभी क्या हुआ? देव का एक्सीडेंट हो गया। अभी यहाँ कोई 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 देव प्रताप सिंह नाम का पेशेंट आया, उनका अभी एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? हाँ, पर उसे सर्जरी रूम में लेकर गए। मॉम, चाची, सुनो। जी मैम। घर के सब लोग हैं कहाँ? सब लोग हॉस्पिटल गए हैं मैम। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? ओ, देव साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? देव का एक्सीडेंट? मतलब मेरे बरसों का इंतजार शायद आज खत्म हो जाए। होनी आखिर होने को आ गई। देव की खोटी तकदीर के आगे सब नाकाम हो गए। कोई नहीं बचा सका देव को, ना ममता, ना पूजा और ना काजल। किधर? हेलो। हेलो सत्या, कुछ पता चला? नहीं भी मोदी, उसका नाम यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। फिर भी हम उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको फोन करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। भाई साहब, देव कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ ओके। अरे ऑफ कोर्स, या सिस्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आपसे बोला ना, वेट करो। हाँ अच्छा, ये बता तू कल क्या कर रही है? अरे हाँ बोल। ए, दिखता नहीं मैं फोन पे बात कर? आपको नहीं दिखता कि मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ? यहाँ पे किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है और आप क्या हो सिस्टर? डॉक्टर, मैं पिछले 10 मिनट से यहाँ खड़ी इनसे एक सवाल कर रही हूँ। प्लीज कोई मुझे बता दे, अभी कुछ देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ, वहां से हमें पता लगा कि वो देव को यहाँ लेकर आए। बांद्रा में जो कार एक्सीडेंट हुआ है, क्या आप उसी की बात कर रही है? आपको पता है देव कहाँ है? हाँ, पर क्या आप उनके परिवार से हैं? जी प्लीज मुझे उनके पास लेके चलिए ना डॉक्टर। क्या रिश्ता है आपका? जब मैंने आपसे एक बार कह दिया कि मैं उनके परिवार से हूँ, तो आप बार-बार मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं डॉक्टर? I'm sorry ma'am, but रूल के हिसाब से हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ हमारी फॉर्मेलिटीज भी होती है। तो ठीक है, देखिए मैं उनकी पत्नी हूँ। सिस्टर आप यहाँ साइन कीजिए। डॉक्टर, ये आपने मुझे कहाँ भेज दिया? देव कहाँ है?
नर्सेस से हम आपके पति को नहीं बचा सके। उनके सर पर काफी गहरी चोट आई थी और हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देव को नहीं बचा पाए? जब देव को कुछ हुआ ही नहीं है तो ये आप क्या कहें? डॉक्टर, ये देव नहीं है। देव को कुछ नहीं हो सकता। सॉरी मिसेस सिंह, बट ही इज डेड। बॉडी आपके सामने ही है, चाहे तो आप खुद देख सकते हैं। अरे मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है डॉक्टर, मेरा दिल जानता है ये देव नहीं है। देव को कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी नहीं। पापा, ये देखिए ना डॉक्टर कब से क्या कहे जा रहे हैं। इनसे कहिए ना कुछ तो सोच समझ के कहे, कुछ भी कहे जा रहे हैं पापा। पता है ये कह रहे हैं कि देव, पापा वो देव नहीं है। पापा आप जानते हैं, मैं जानती हूँ वो देव नहीं है। देव नहीं हो सकता, बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हैं। ये तो बोलिए ना पापा, कुछ तो बोलिए, आप बोलिए ना। ये कुछ भी कह रहे हैं पापा। डॉक्टर साहब, मैं देव की माँ हूँ। कहाँ मेरा बेटा? सॉरी मैम, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बार बॉडी की पहचान कर लीजिए। हालांकि चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ है, पर शायद आप उसे पहचान सके। भाभी, 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 हिम्मत से काम लीजिए। चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ है और साथ में कुछ ऐसी चीजें मिली है जिससे आपको बॉडी पहचानने में मदद मिल सकती है। ये घड़ी, ये देव की घड़ी है। ये पर्स, ये तो देव का पर्स। काजल बेटा, देव। देव क्या? क्या देव? मैं कब से आपको कह रही हूँ उनकी बात का विश्वास मत कीजिए, वो देव नहीं है। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। अरे ये देव नहीं है, इनकी बात का विश्वास क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ, मेरी सासें कह रही है वो देव नहीं है। पापा आप जानते हैं ना पापा, जब तक मेरी सासें चल रही है देव को कुछ नहीं हो सकता। वो देव नहीं है पापा, नहीं है वो देव। मेरी बात का विश्वास कीजिए, नहीं है वो देव। वाह, शनि की महादशा ने वक्त से पहले ही अपना आखिरी बार कर दिया। मानिक ने पूरी चमक होने से पहले ही अपना दम दिखा दिया, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं।
देव की तबाही जितनी जल्दी हो मेरे लिए उतना ही अच्छा है। अब बस देव की जिंदगी पर यह बार आखिरी हो, वो ना बचे, यही मेरी दुआ है। मेरी सांसें जब तक चल रही है पापा, देव को कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता संजीव। ये देव नहीं है, जरूर कोई गलत फहमी हुई है, ये देव हो ही नहीं सकता। ये भगवान का लॉकेट, ये तो देव का नहीं है। लॉकेट को हमेशा अपने गले से लगा के रखना। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा।